नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। भाई साहब, जवान के क्रेज को देखने के बाद अमिताभ बच्चन भी बोल पड़े और अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि भाई साहब, जवान जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा एक गर्व है और नाम ही जवान है। तो यहाँ पे भाई साहब जो है वो जिस तरीके का माहौल बन रहा है, यकीन से ये एक जो है वो प्राउड मोमेंट है इंडियन सिनेमा के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि शाहरुख खान ने हमेशा से ऐसी मूवीज दी है जो कि काफी बड़ी मूवीज साबित हुई है। हाल ही में यहाँ पे डॉन को लेके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे अमिताभ के बाद अगर कोई ऐसा सुपर हीरो है जो कि डॉन को संभाल सकता था, डॉन को और ज्यादा सुपर हिट कर सकता था, वो है SRK। लेकिन यहाँ पे डॉन 3 की जो कास्ट है वो अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, रणवीर सिंह को यहाँ पे डॉन 3 के अंदर लिया गया है। तो इसके ऊपर यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने यह बयान दिया है कि इस बार थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर शाहरुख खान ही इस चीज को और कंटिन्यू करते तो कहानी कुछ और बन सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, जवान जो है वो एक बहुत बड़ी फिल्म यहां पे जो है वो सामने आ चुकी है जो कि यकीन से हिंदुस्तान का गर्व है। और यहां पे जिस तरीके से एटली कुमार की डायरेक्शन है इस मूवी को, वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा है और एडवांस बुकिंग की भाई साहब बात ही छोड़ो, क्योंकि जिस भी थिएटर्स के अंदर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो रही है वो हाउसफुल हो रहे हैं। USA, कैनेडा, बर्तानिया, जर्मनी और इटली के अंदर भी इस मूवी ने अपने भैया जो है वो झंडे घुमा दिए हैं। और यहाँ पे जहां जहां भी ओवरसीज के अंदर इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो रही है वहां वहां ये मूवी अपना छाप छोड़ती हुई जा रही है। उसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इस मूवी का जो टाइम फ्रेम है वो भी यहाँ पे सामने आ चुका है कि ये मूवी 2.5 घंटे वाली होने वाली है, जो कि हर कोई थिएटर वाला अपने हिसाब से बता रहा है क्योंकि उनको पोस्टर लगाना होता है। लेकिन अभी तक जो है वो इस चीज की कंफर्मेशन नहीं की गई है। ये मूवी जो है वो शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, तो ऐसे में इस मूवी के ऊपर काफी ज्यादा लोगों की जो है वो भाई साहब निगाहें टिकी हुई है। ट्रेड एनालिसिस बोलते हैं कि ये मूवी जो है वो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड छोड़ के जाएगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जो कि किसी के बस में नहीं होगा तोड़ पाना। बाकी इस बात को लेके और अमिताभ के ओपिनियन को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हमें हरे कृष्ण।